हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। ये है यहाँ पे 8.3.4 का वीडियो। जल्दी से शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो बॉस लिया था वो लिया था हमने शायद वोंग, और उसके बाद में पाथ भी दूसरा लिया था। ओके गाइज, इस बार जो मैं लेने वाला हूँ बॉस वो लेने वाला हूँ थिंग, और इसके बाद जो पाथ लेने वाला हूँ वो होने वाला है यहाँ पे मैसेकरे वाला पाथ। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे हल्क रैग्नारोक वाला पाथ लिया था, अब हम मैसेकरे वाला पाथ लेने वाले। इस पे लोकल नोड क्या लगे, देखो वेपन नोड होगा इसे। जब भी ये हमारा पावर बर्न करेगा या ड्रेन करेगा ना, तो हमें रप्चर्स मिलेंगे। रप्चर मिलेंगे तो बहुत ज्यादा डैमेज मिलेगा, ठीक है। तो ये वेपन नोड है इसका। वेपन नोड को डिसेबल कैसे करना है, जब भी हम अपना स्ट्राइकर यूज करेंगे हम वेपन नोड को डिसेबल कर पाएंगे, और जब वेपन नोड डिसेबल होगा सामने वाले डिफेंडर को फिजिकली वल्नरेबिलिटी लग जाएगी, जो कि एक्स्ट्रा डैमेज लेने लगेगा फिजिकल वाला। लेकिन अगर ये आपको ये वेपन नोड कैप्चर करना है तो आपको स्पेशल टू से नॉकआउट करना पड़ेगा डिफेंडर को, तो ही आपको आप इसका वेपन नोड कैप्चर कर पाओगे। और जब भी 33% से ज्यादा आपकी पावर होगी आपको एनर्जाइज मिलेगा, जो कि आपकी पावर बढ़ा देगा। लेकिन अगर तीनों बारों में से 75% से ज्यादा पावर हुई आपकी, तो इमीडिएटली आप जीरो पे चले जाओगे। इसका मतलब यह है कि पावर ड्रेन होगा और आपको रप्चर भी लगेगा। मैं तो बोलता हूँ रप्चर इम्यून चैंपियन ला सकते हो तो ले आना, वरना कोई भी चैंपियन चलेगा इसमें। और जब डिफेंडर को रप्चर लगा सकते हो, अगर आपने डिफेंडर को रप्चर लगा दिए, तो इसका मतलब यह है कि आपका अटैक 200% इंक्रीज हो जाएगा। ये पूरे पाथ में ये वाला फाइट है, मतलब ये वाली नोड्स है। अब लोकल नोड क्या लगे हैं बॉस पे वो भी बता देता हूँ। देखो बॉस एग्रेसिव बहुत ज्यादा होगा, और जब भी ये स्पेशल छोड़ेगा दो पेट्रीफाइड डीबफ लगाएगा, जो कि 25% की पोटेंसी से 10 सेकंड के लिए रहेंगे। मतलब इससे भी कोई लेना देना नहीं है। जब भी हम इंटरसेप्ट करेंगे 200% इंक्रीज होगा हमारा पावर अटैक। लेना देना हमारा है पहले नोड से। सामने वाला स्टन इम्यून रहेगा जब तक आप इसको पॉइजन या इंसरनेट नहीं लगाते हो। अगर आप पॉइजन इंसरनेट नहीं लगाते तो आप इसको स्टन नहीं कर पाओगे। अगर आपने स्टन अटेम्प्ट किया तो 3 सेकंड के लिए आप ही स्टन हो जाओगे। ओके, तो कोई बात नहीं, लेट्स फाइट, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहली फाइट जो है वो हमारी मैसेकरे के साथ में है, एंड मैं यहाँ पे किटी प्रेड लाया हूँ उसके लिए। लेट्स सी, देखते हैं किटी प्रेड क्या करते हैं। और मैं सारे के सारे रैलिक बाइंड करके लाया हूँ। वेलकरी और वॉइड जो है वो मैंने बॉस के लिए लाया है। तो पहली वर्ल्ड हमारी मैसेकरे के साथ में है। यहाँ पे मेरे पास बूस्ट एक्सपायर हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ बूस्ट लगा ही लेता हूँ। एक्सपायर होने से अच्छा है कि यूज कर लो। ओके, फाइट करते हैं, चलो। ओके, तो गाइज हमारे दो मकसद रहेंगे इस पाथ में। सबसे पहले हमें स्ट्राइकर का यूज करना है ताकि वेपन नोड को जो है वो डिसेबल कर पाए। दूसरी चीज ये है कि अपने को वेपन नोड कैप्चर करना है, तो मतलब स्पेशल टू मारना पड़ेगा। ओके फाइन, स्पेशल वन स्पैम करवाते हैं इससे। मार ले भाई, हम स्पेशल टू पे बहुत जल्दी पहुंचेंगे क्योंकि नोड की वजह से। ये हमारा स्पेशल टू, और नहीं मैंने इसको स्पेशल टू पे ट्रिगर कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से ठोको साले को, एक हैवी ओवर खातू भाई। ओके अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। ये हमारा हमने स्पेशल टू और गेम ओवर। मर जाएगा ना, हाँ मर गया। चलो नेक्स्ट फाइट पे चले। तो गाइज फाइट जो है वो है हमारी स्ट्रॉम के साथ में। मेरे को पता है ये शॉक इम्यून है, लेकिन पैसिव शॉक इम्यून नहीं है ये। आराम से हम डैमेज दे पाएंगे भाई, ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। रैलिक यूज करो, एक नॉकआउट फेंको एक साथ में। अरे नहीं यार, मैं स्पेशल फेंक रहा था ना भाई, फेंक रहा था मैं स्पेशल। साला पहले ही ट्रिगर मार दिया उसने स्पेशल। ओके नहीं यार, स्पेशल टू मारना था। अब देखो 10 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, तब तक नहीं हो पाएगा। ओके, यहां पे हमने स्पेशल टू फेंका तो है, लेकिन ओके वेट, शिट पावर टू जीरो हो गया वापस से। ओके ठीक है, कोई बात नहीं,
ये हमारा स्पेशल टू, और आई थिंक अब जो है ना लोकल वेपन नोड तो आगे आ जाएगा ना। हाँ बढ़िया, देखो रप्चर लगा रहे हैं ना। अब देखो डैमेज, देखो निमरॉड से डैमेज, देखो हमने रप्चर लगाया क्योंकि हम पावर ड्रेन कर रहे हैं बंदे का, दैट्स व्हाई। चलो ये फाइट हुई खत्म, नेक्स्ट फाइट पे चलते हैं। ओके गाइज, ये फाइट है एमा फ्रॉस्ट के साथ में, एंड इस पे लगा होता है क्या, ये क्या बोलते हैं इसको, ब्लैंकेट यार कुछ तो बोलते हैं इसको, कवरिंग, डायमंड फॉर्म, जो कि मुश्किल होती है हटाना, बट कोई नहीं हम हटा लेंगे। बस स्पेशल थ्री पे नहीं जाए, साला इसी का तो डर था। बच गया भाई, बच गया यार। आप रप्चर डैमेज देख रहे हो, मैं इसलिए कह रहा था रप्चर इम्यून हो ना आपके पास चैंपियन, तो वो ले आओ, क्योंकि रप्चर से आपको बहुत ज्यादा हैवी डैमेज मिलेगा भाई। 1500 का नहीं, 5000 का रप्चर है इसको, अट्टे रही तो ऐसे की तैसे। डायमंड फॉर्म ले ली यार इसने। ओके अट्टे रही तो, अबे रुक तेरी तो ऐसे की तैसी। ये दिया डैमेज एंड गेम ओवर। चलो इन्हीं दो फाइट्स के लिए मैं निमरॉड को लेके आया था, अब मेरे को निमरॉड की जरूरत है भी नहीं, अब सिर्फ बॉस को हमें वैल्करी से मारना है। ओके ये फाइट है एक टाइटेनिया के साथ में, तो लेट्स ट्राई विद टाइटेनिया। ओके हमारा पावर गेन तो वैसे ही होता रहता है। अरे नहीं यार रप्चर लग गया मेरे को, देखो पावर ड्रेन हुआ ना, दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक कि मैं सरवाइव कर पाऊंगा। ओके वेपन नोड हटा दिया और सरवाइव कर लिया। चलो वेपन नोड भी कैप्चर कर लिया हमने, एक और हैवी फैक्ट है। ओके एक और स्पेशल टू एंड एक और स्टन, एक और हैवी, 7 फ्यूरी आ चुकी है हमारे पे। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रैली का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे। ये हमारा एक और स्पेशल टू सन हो जाना, बढ़िया। एक हैवी और मारते हैं, अपने को थोड़ी बहुत फ्यूरीज लेते हैं, 2 फ्यूरी आ चुकी है, नाइस। ये हमारा एक और स्पेशल टू चान हो गई अच्छे से, और 2-3 फ्यूरी आ चुके, नाइस। ये हमारा एक और स्पेशल, अरे बहुत बढ़िया भाई, एक और हैवी, मर जा यार। ये किया रैलिक का इस्तेमाल, वेपन नोड डिसेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना हमें रप्चर लग जाते। स्पेशल टू आपका जैसे ही बनता आपको इमीडिएटली छोड़ना है वो। फाइन ये फाइट है हमारी स्ट्रॉन्ग पिरामिड एक्स, तो सबसे पहले तो मकसद ये रहेगा कि रैलिक का यूज किया जाए ताकि वेपन नोड जो है वो डिसेबल हो पाए। एक बार वो चीज हो गया तो फिर आराम से हम इसको मार पाएंगे। ओके ये छोड़ा रैलिक, ये साथ में छोड़ा स्पेशल टू, पैसिव शॉक इम्यून नहीं है। मैं चाहता हूँ ये अपना स्पेशल मारे ताकि इसको पावर बर्न लगे, पावर ट्रेन सॉरी। अबे साला, ये मारा एक और हमने स्पेशल टू। ओके लग गया, 5 रप्चर लग चुके हैं, 986 का डैमेज। ओके फाइन कोई बात नहीं, ये हमारा, अरे नहीं यार, हाँ ठीक है अच्छे अच्छे पे पड़ गया, 1% रह गए थे, तो चलो इसके बाद अब पता नहीं किसके फाइट है यार। ओके ये फाइट है हिट मॉन्की के साथ में, लेट्स ट्राई अगेन। सबसे पहले हमारा मकसद रहेगा कि हमें रैलिक का यूज करना है। तेरी तो साले, ये ले मार स्पेशल अपना, हट तेरी तो ऐसी की तैसी।
ये एग्रेसिव क्यों नहीं खेल रहा है? रैलिक का इस्तेमाल हमने कर दिया है, स्पेशल भी बन गया है हमारा, ये हमारा स्पेशल टू और वेपर नोड हमारे कैप्चर में आ चुका है। बस ये है कि हम इसका पावर ड्रेन नहीं कर पाएंगे, बाकी तो दिक्कत नहीं है। साला वेट कर सकता है अभी भी। ओके, मैं चाहता हूँ ये अपना स्पेशल ही छोड़े अच्छे से, तो हम इस, अरे नहीं यार मैं मिस, थोड़ा लेट हो गया, बट हम इसको मार लेंगे। चल ये हुआ खत्म, अब हमारी बॉस फाइट है थिंग बॉस के साथ में, तो जल्दी से चलते हैं वैल्करी से शुरू करते हैं। ओके गाइज, ये है 8.3.4 के बॉस के साथ फाइट। हमें ध्यान में ये रखना है कि हम इसको स्टन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए गाइज हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक हिट से इसे मारते जाना है और स्पेशल टू फेंकते जाना है। वैल्करी है, पियर्सिंग बफ आएगा तो हम इसको आराम से टैकल भी कर पाएंगे। ओके कोई बात नहीं, पियर्सिंग बफ है, हम अनस्टॉपेबल टैकल कर लेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ये बंदा हमेशा स्टन इम्यून रहेगा, बाकी मारते जाओ कुत्ते की तरह इसको। ओके अनब्लॉकेबल होगा स्पेशल, ध्यान रखना है हमें। मैं वैसे ब्लॉक पे मारना चाहता था लेकिन थोड़ा एग्रेसिव खेल रहा है ये। ओके कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अनस्टॉपेबल है तो क्या हुआ, हमको भी तो मारना आता है। डिस्टेंस मेंटेन करना है, इंपॉर्टेंट है वो, वरना कॉर्नर पे लेके जाएगा तो फिर बड़ा मारता है भाई। ओके 57 बहुत ही अच्छा काउंटर है अपने पास, तो अगर इसको स्टन करना चाहते हो तो पॉइजन या इंसनिट चैंपियन लेके आओ, तभी आप इसको स्टन कर पाओगे। भाई कितना स्पेशल मारेगा यार, थोड़ी देर ब्लॉक पकड़ ले, ब्लॉक पकड़ ले भाई मेरे, मारने का मौका तो दे यार। शिट मेरा कॉम्बो तोड़ दिया इसने, कॉम्बो शील्ड सॉरी। कोई नहीं, स्पेशल थ्री पे जाते हैं, कॉम्बो शील्ड वापस लेके आते हैं। अच्छा कॉम्बो शील्ड चाहिए मुझे भाई, 16% से, बस ये स्पेशल थ्री पे ट्रिगर ना हो जाए यार। ओ नो, अबे यार स्पेशल थ्री पे ट्रिगर मार दिया इसको मैंने, मैं भी शायद बच गया थोड़ा, पीछे रह भाई, डिस्टेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट चीज है, तेरे को बोला तो है। अबे नहीं यार साला 1% पे पड़ गया, कोई बात नहीं जल्दी से वॉइड लाते हैं, वॉइड नहीं और कोई चैंपियन लेके आते हैं, स्टन नहीं कर पाएंगे हम इसको, तो ध्यान रखना है हमें उस चीज का। ओके अगर इंसर्नेट भी करता हूं मैं इसको, सॉरी इंटरसेप्ट भी करता हूं तो भी मेरा डैमेज इंक्रीज है। तो इसी के साथ में हमने 8.3.4 का वीडियो जो है वो खत्म कर लिया है और ये क्वेस्ट खत्म हो चुका है बहुत ही ज्यादा आसानी से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, लोकल नोड समझ में आए होंगे और बॉस भी समझ में आया होगा। परफेक्ट काउंटर अगर आप लाते हो किसी भी क्वेस्ट में तो आपके लिए क्वेस्ट बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो देखने के लिए शुक्रिया, जल्दी से मिलता हूं एक और नए वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।